लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी मोटापा आज देश की महिलाओं में महामारी बनता जा रहा है। लेकिन कैसे इस महामारी से छुटकारा पाकर जी जा सकती है एक हेल्दी जिंदगी, देखते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में। हर सेकेंड में इनहेंस हो रही टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ हमारी लाइफ को बना दिया है इजी, वहीं दूसरी तरफ इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने कम कर दी है मानव शरीर की कार्य क्षमता, साथ ही व्यस्त जिंदगी, बढ़ता फास्ट फूड कल्चर और शारीरिक व्यायाम की कमी मिलकर बनाते हैं एक ऐसा लाइफस्टाइल जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक परिवार के अमूमन हर सदस्य को मोटापे और उससे जुड़ी गंभीर बीमारियों का शिकार बना दिया है। आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि क्या है लोगों में बढ़ती मोटापे की वजह। फिजिकल एक्सरसाइज कम है, जैसे लोग पहले कपड़े धो लेते थे, अब आजकल मशीन्स वगैरह हैं, मेड्स हैं, मतलब समय कम होने की वजह से ही काम खुद नहीं कर पाते, वर्किंग होते हैं तो ऑफिस में ज़्यादा टाइम जैसे लग जाता है, तो ऑब्वियस है कि ऑफिस वाले टाइम को तो वो करेंगे नहीं, तो ये वॉक वाले का टाइम को ही कट करेंगे। जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा मोटापा होगा, और ये देखा गया है कि औरतों में वो हमेशा यही कहते हैं कि सिर्फ दो फुलके खाते हैं और फिर भी पता नहीं क्यों मोटापा हो जाता है, मगर आंसर बड़ा सिंपल है कि जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक मोटापा नहीं होगा, पहली बात। दूसरा, चाहे जितना भी खाएं उससे ज्यादा एनर्जी को, कैलोरीज को खर्च करना बड़ा जरूरी है। डायबिटीज, शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली मोटापे के कारण। देन हार्ट की बीमारी, फिर जोड़ों की बीमारी, स्लीप एपनिया सिंड्रोम, सांस में भी दिक्कत होनी शुरू होती है, रात को सोते सोते अचानक उठना पड़ता है सांस को लेने के लिए, तो ये सारी बीमारियां ये मोटापे की वजह से है। देश के अमूमन हर बड़े शहर में अपने व्यस्त लाइफस्टाइल के चलते लोग मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसके इलाज के लिए वो हर नुस्खे को भी अपनाते हैं, लेकिन अक्सर रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन अब लोगों की इसी समस्या का इलाज मौजूद है मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास, जहां एडवांस लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट की बदौलत आप पा सकते हैं अपने मोटापे से निजात, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। जिन्होंने ऑपरेशन कराया एक महीना पहले या छह महीने पहले या साल पहले, 80 किलो वेट उनका लूज हुआ, तो लेप्रोस्कोपी से, दूरबीन से ऑपरेशन होने से परमानेंट वेट लॉस हो सकता है। अब वो ऑपरेशन, कई किस्म के ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो बैंड का ऑपरेशन हो या बाईपास हो या स्लीव गैस्ट्रेक्टमी हो, हम जो है ज्यादा बाईपास या स्लीव गैस्ट्रेक्टमी का ऑपरेशन करते हैं। मोटापे से निजात दिलाने वाली लेप्रोस्कोपी विधि भारत में भले ही नई है, लेकिन इसके परिणाम है काफी असरदार। लेप्रोस्कोपी के एडवांस ट्रीटमेंट्स के जरिए अब तक कई लोग पा चुके हैं अपने मोटापे से निजात। जो स्लीव का ऑपरेशन है, जो स्टेपलिंग का ऑपरेशन है या बाईपास का ऑपरेशन है, ये नॉन रिवर्सिबल है, और एक बार जब वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, पेशेंट को मन में फीलिंग इतनी अच्छी होती है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी इमेज चेंज हो गई। लेप्रोस्कोपी विधि से किए जाने वाले इस ट्रीटमेंट की रिकवरी भी बेहद फास्ट है, जिससे आपके समय की भी बचत होती है, और एक बार ट्रीटमेंट हो जाने के बाद वेट रिगेन की समस्या भी नहीं आती, साथ ही मोटापे के चलते होने वाले आफ्टर इफेक्ट से भी निजात पाया जा सकता है। ऑपरेशन में मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ और मैं दूसरे तीसरे दिन चलने लगा था। 3 डेज में बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में था, रियली छेड़ गया मेरा बिजनेस है, मेरे 5-6 दिन में अपने ऑफिस चला गया था, और दूसरे दिन मैं यहाँ वॉक कर रहा था हॉस्पिटल में। पेशेंट नेक्स्ट डे बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है, उसको कोई पेन किलर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ती, और अल्टीमेटली पेशेंट वेट लूज करता है पहले हफ्ते में 7 किलो, अगले हफ्ते में 5 किलो, अगले हफ्ते में 4 किलो, इस तरीके से वेट लॉस करते चले जाते हैं, और लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो ऑपरेशन का है, लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन का है, वो बहुत अच्छा है। द एक्सरसाइज इज रिड्यूसिंग नाउडेज बिकॉज पीपल आर मोस्टली बिजी विद लैपटॉप्स, विद टीवी, विद वीडियोस, गेम्स एंड ऑल, तो एक्सरसाइज तो बिल्कुल कम होते जा रही है, इसलिए बहुत जरूरी है कि पेशेंट अवेयर हो ओबेसिटी से। अगर मोटापा आपके लिए भी बन रहा है परेशानियों का सबब, तो आपकी मुश्किल को आसान बनाने के लिए मौजूद है लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट, जिसकी बदौलत आप पा सकते हैं अपना मनचाहा शेप और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस।